क्या नाम बेटा आपका? कुलदीप। कल जो है ये बारात में क्या हुआ था? बारात में ये फर्जी हुआ था, स्टेज पे डांस हुआ था। डांस में यहाँ गांव के मैं नहीं चढ़े तो मेरे मामा बोला कि भाई ऊपर ना चढ़ो। हाँ। तो ये गांव चढ़ने वाले बोला कि जाओ जिसको बुलाना बुला लो, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे मामा बुलाने के लिए आए, आधी गली पे पहले मेरे मारा, उसके बाद मेरे मामा को गिरा दिया मार। अच्छा, मामा का क्या नाम था आपका? सुनील। आपका क्या नाम है? कुलदीप। अच्छा, ये कितने समय घटना है? ये 10:30 बजे की। 10:30 बजे की। अच्छा, किसने कहा था कि जो है धमकी दिया था? ये नाम नहीं जानते हैं सर, पहचानते हैं हम। अच्छा, तीन लोग रहे। तीन लोग थे। तो किस चीज़ से मारा था? लाठी डंडा वो देखो पड़े हैं अभी। तो लाठी डंडों से मारा था। तो अच्छा, उस वक्त जो है जो ये घर है आपके पीछे, ठीक है, यहाँ पे कोई था कि नहीं? दो मने थे बस। दो आदमी थे? तो उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं नहीं किया कोई सर? हम अकेले पड़ गए, तो हम जितनी देर बुलाने गए उतनी देर में मार दिया। कौन सा गांव है ये? मीरापुर। आपका गांव मीरापुर है? हाँ। ये कौन सा गांव है? नरेनापुर। नरेनापुर। आपसे सुना है भैया, उनका माफी ना मिली? माफी उनको ना मिली? मिल जाए बस, हम यही इंतजार में। उनका माफी नहीं मिल सकता है? उनका माफी जब मिल जाए तो समझ लो कि जिंदगी में। जनपद बाराबंकी के थाना रामसनेही घाट में आज लगभग 5:15 बजे सवेरे वादी श्री टेनूलाल ने आकर ये तहरीर दी है कि कल उनके भतीजे की शादी थी और बारात आई हुई थी थाना रामसनेही घाट के नारायणपुर में, जहाँ पे नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें गांव का ही उत्तम नाम का व्यक्ति बार बार व्यवधान पैदा कर रहा था। और इसको लेकर के वादी के रिश्तेदार सुनील कुमार ने बार बार टोका, उत्तम को वहाँ से जाने को कहा, पर वह नहीं माना, धमकी देते हुए चला गया। बाद में कल दिनांक 12/2/22 को रात 10:30 बजे अकेले में मौका पा करके उत्तम ने उसको लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी। उक्त तहरीर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।